एबीपी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने दावा किया है कि मौजूदा समय में महाविकास आघाड़ी के 25 असंतुष्ट विधायक बीजेपी के संपर्क में है। तो मुंबई की लोकल ट्रेन में एक महिला को सिर्फ इसलिए बैठने के लिए सीट नहीं दी गई क्योंकि उसने हिजाब पहना था। वहीं मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में फिलहाल हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र से है। उधर खबर है कि सरकार की तरफ से राज्यपाल को एक और ताजा खत लिखा गया है, जिसमें राज्यपाल के उस दावे का खंडन किया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष चुनाव का मामला न्याय प्रविष्ट है। इस बीच शक्ति कानून को भले ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मंजूरी दे दी है, लेकिन मात्र कानून बन जाने से ऐसे अपराधों पर अंकुश लगा पाना संभव नहीं है। इसके लिए अच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे के दावों पर यकीन करें तो आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। दानवे ने दावा किया है कि मौजूदा समय में महाविकास आघाड़ी के 25 असंतुष्ट विधायक बीजेपी के संपर्क में है। दानवे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। दानवे का ये बयान इसलिए भी काफी मायने रखता है क्योंकि ठाकरे सरकार महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को करवाने के लिए हाथ पैर मार रही है। फिलहाल राज्यपाल ने इस चुनाव के लिए मंजूरी नहीं दी है। सरकार इस चुनाव में गुप्त मतदान की जगह खुले मतदान के पक्ष में है। इस बाबत विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया गया है। हालांकि ठाकरे सरकार ये दावा करती है कि उनके पास 170 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। दानवे ने आरोप लगाया है कि शिवसेना हिंदुत्ववादी विचारधारा से भी भटक चुकी है। साल 2019 में शिवसेना को जो वोट मिले थे वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर के चलते मिले थे। बावजूद इसके शिवसेना ने बीजेपी की पीठ में छुरा घोंपा है। साल 2019 में जब बीजेपी नेताओं और शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई थी, तब मैं भी वहां मौजूद था। इस बैठक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई थी और 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बदलने को लेकर भी कोई चर्चा नहीं हुई थी। मुंबई की लोकल ट्रेन में एक महिला को सिर्फ इसलिए बैठने के लिए सीट नहीं दी गई क्योंकि उसने हिजाब पहना था। पीड़ित महिला के पति डॉक्टर परवेज मांडवीवाला ने ये आरोप लगाया है। उन्होंने 16 मार्च के दिन हुई इस घटना को ट्वीट किया है कि मेरी पत्नी को लोकल ट्रेन में बैठने के लिए जगह नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना था। हालांकि एक सज्जन व्यक्ति ने मेरी पत्नी के लिए सीट छोड़ दी, लेकिन बाकी यात्रियों ने कुछ साड़ी पहनी हुई महिलाओं से उस सीट पर बैठने के लिए कहा, जबकि मेरी पत्नी के साथ एक नवजात भी था। इस मामले पर मुंबई जीआरपी ने खेद जताते हुए पीड़ित परिवार से गुजारिश की है कि वो अपना नंबर साझा करे ताकि इस मामले की शिकायत दर्ज की जा सके। हालांकि डॉक्टर परवेज ने पुलिस को ट्विटर पर जवाब देते हुए कहा है कि वे इस मामले में शिकायत नहीं करना चाहते हैं। याद रहे मुंबई के एक जाने माने कॉलेज में भी हिजाब, बुरका या दुपट्टा पहनने पर रोक लगाई गई थी। जब स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ने इसका विरोध किया तो कॉलेज प्रशासन ने कहा कि ये नियम उन्होंने छात्राओं के साथ हो रही छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया था। इन घटनाओं से साफ है कि कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का जहां देश भर में स्वागत किया जा रहा है, वहीं कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और उनका विरोध जारी है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में फिलहाल हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र से है। उत्तर पश्चिमी भारत से गर्म और शुष्क हवाएं कोंकण के इलाकों में आ रही है। महाराष्ट्र के समुद्री तट के पास की हवा की धीमी गति और साफ आसमान भी ऐसी हीट वेव की एक बड़ी वजह है। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में हुई इस वृद्धि का कारण बढ़ती सोलर रेडिएशन भी है, जो इस साल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए सामान्य है, जबकि 12 व 13 मार्च को उसकी तीव्रता और भी बढ़ गई थी। हालांकि 17 से 20 मार्च के बीच दिन का तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के पास बढ़ते तापमान को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया था। मौसम विभाग के माने तो आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। रात में भी तापमान के 24 डिग्री तक जाने के आसार है। गौरतलब है कि किसी भी मैदानी इलाके में हीट वेव का प्रकोप तब माना जाता है जब उस जगह का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच जाए। वहीं पहाड़ी इलाकों में ये 30 डिग्री होता है और समुद्र तटीय इलाकों में ये 37 डिग्री होता है। मौसम विभाग किसी भी राज्य को हीट वेव से ग्रसित तब मानता है जब उस जगह का तापमान सामान्य से 4.5 से 6 डिग्री तक ऊपर चला जाता है। इसके अलावा कई जगहों पर तापमान के 45 या 47 डिग्री जाने पर भी हीट वेव का आना माना जाता है।
महाविकास आघाड़ी सरकार और राज्यपाल के बीच कई मुद्दों पर लगातार मतभेद बने हुए हैं। हाई कोर्ट भी सरकार और राज्यपाल के तल्ख होते रिश्तों पर नाखुशी जता चुका है। बावजूद इसके दोनों ओर से रिश्तों पर पड़ी बर्फ पिघल नहीं रही है। विधान परिषद के 12 सदस्यों के नामांकन के मुद्दे पर पहले से ही राज्यपाल और सरकार के बीच काफी तनाव बना हुआ है। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बावजूद अब तक राज्यपाल ने लिस्ट क्लियर नहीं की है और अब विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी वही हालात बनते जा रहे हैं। दरअसल गुप्त मतदान में सरकार को ये डर है कि कहीं बीजेपी उसके कुछ विधायकों को तोड़ ले। वैसे तो राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के पास 170 विधायकों का बहुमत है, परंतु सरकार ताजा परिस्थितियों में किसी तरह का खतरा मोल लेना नहीं चाहती, इसलिए उसने खुले मतदान का प्रस्ताव पारित कराया है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव अब तक गुप्त मतदान से होता आया है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पद से कांग्रेस नेता नाना पटोले के इस्तीफा देने के बाद राज्य सरकार ने विधानसभा में एक संशोधन प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव के तहत अब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव गुप्त मतदान के बजाय खुले मतदान से होगा। बीजेपी खुले मतदान का विरोध कर रही है। खबर है कि सरकार की तरफ से राज्यपाल को एक और ताजा खत लिखा गया है, जिसमें राज्यपाल के उस दावे का खंडन किया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष चुनाव का मामला न्याय प्रविष्ट है। महिला और बच्चों को यौन अपराधियों से बचाने और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा एकमत से पारित किए गए शक्ति कानून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने इस कानून पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालांकि जानकार मानते हैं कि कानून बन जाने से मात्र ऐसे अपराधों पर अंकुश लगा पाना संभव नहीं है, इसके लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। आमतौर पर देखा जाता है कि कानून की ही आड़ में अनेक आरोपियों को बचा लिया जाता है। होली के एक दिन पहले कई संगठनों ने होली मिलन समारोह में इसका जिक्र किया। बता दे कि पिछले विधानसभा सत्र में महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से आंध्र प्रदेश की दिशा कानून की तर्ज पर विधानमंडल के दोनों सदनों में शक्ति विधेयक पेश किया था। इसमें बलात्कारियों को न्यूनतम 10 साल, नाबालिग के साथ बलात्कार करने वालों को न्यूनतम 20 साल, सामूहिक बलात्कार करने वालों को न्यूनतम 20 साल और अधिकतम सजा के रूप में उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है। कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए झूठी शिकायत करने वालों को भी 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की सजा और 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। संगठनों की दलील है कि निर्भया के साथ हुई घटना के बाद कानूनी शिकंजा कसा गया है, बावजूद इसके ऐसे अपराधों को रोका नहीं जा सका है। हिजाब पहनने की अनुमति न देने पर कर्नाटक के उप्पिन नगरी स्थित सरकारी पीयू कॉलेज में 231 मुस्लिम छात्रों ने परीक्षा में बैठने से इनकार कर दिया। वही कांग्रेस की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ उसका जनाधार घट रहा है तो दूसरी तरफ उसे भाजपा के सबसे बड़े चेहरे का विकल्प ढूंढे नहीं मिल रहा है। तो योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार योगी मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे जुड़ेंगे। उधर मौसम विज्ञान विभाग की माने तो अब तापमान में लगातार इजाफा देखने को मिलेगा। इसी बीच बिहार के बाढ़ इलाके में एक लड़के ने नाराज गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, लेकिन उसके लिए ये कदम जानलेवा साबित हुआ। देश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भी विवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कर्नाटक के उप्पिनगढ़ी स्थित सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति न देने पर 231 मुस्लिम छात्रों ने परीक्षा में बैठने से इनकार कर दिया। उन्हें हिजाब पहनकर क्लासरूम में आने की इजाज़त नहीं दी गई थी। कॉलेज ने कर्नाटक हाईकोर्ट के हालिया आदेश का हवाले दिया, जिसमें 6 मुस्लिम छात्राओं की याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्होंने क्लासरूम में हिजाब पहनने की इच्छा जताई थी। पीयू एजुकेशन के डिप्यूटी डायरेक्टर ने कहा कि जो भी हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करेगा उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। मंगलूर से 50 किलोमीटर दूर उप्पिना नगरी स्थित कॉलेज में शुक्रवार को जब कुछ मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर आई तो कॉलेज ने उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से रोक दिया। इससे कॉलेज कैंपस में तनाव फैल गया। तकरीबन 250 छात्र, जिसमें लड़के भी शामिल थे, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सभी हिजाब के साथ परीक्षा में बैठने की इजाज़त की मांग करने लगे। गाँव के मुस्लिम नेताओं ने छात्रों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कई छात्र बिना एग्जाम दिए ही वहां से चले गए। कॉलेज के प्रिंसिपल सुधीर कुमार ने कहा कि 231 सेकंड ईयर पीयू छात्र, जिनमें लड़के भी शामिल थे, कन्नड़ एग्जाम लिखे बिना ही चले गए। कॉलेज प्रबंधन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस का जनाधार घट रहा है तो दूसरी तरफ उसे भाजपा के सबसे बड़े चेहरे का विकल्प ढूंढे नहीं मिल रहा। कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व को चुनौती दे सके। पार्टी हाईकमान के विश्वासपात्र और करीबी समझे जाने वाले एक एक कर भाजपाई हो रहे हैं। ऊपर से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव ने कांग्रेस की हालत पतली कर दी है।
ऐसे में पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठने लगी है। G23 नेताओं का ग्रुप एक्टिव हो चुका है। बैठकें हुई, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तक बात पहुंची, लेकिन हालात फिलहाल जस के तस है। देखा जाए तो 2014 के बाद 177 सांसदों और विधायकों के अलावा 222 उम्मीदवारों ने भी कांग्रेस छोड़ दी। किसी दूसरी पार्टी में इस तरह का पलायन नहीं देखा गया है। आज जिस तरह से बिना किसी पोर्टफोलियो के राहुल गांधी पार्टी के बड़े बड़े फैसले लेते हैं, उससे कांग्रेस नेताओं में गहरी नाराजगी है। सिब्बल ने भी कहा है कि सोनिया गांधी अध्यक्ष है, तो राहुल गांधी ने आखिर किस हैसियत से पंजाब में नए CM के नाम का ऐलान किया? कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन का फैसला वर्किंग कमेटी लेती है, और ऐसा लगता है कि इसमें शामिल लोग अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए बदलाव नहीं चाहते। हालांकि चौतरफा नकारात्मकता भरे माहौल में पार्टी के दिग्गज नेता वीरप्पा मोइली ने यह कहकर नेताओं में जोश भरने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद BJP का टिक पाना मुश्किल है। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शाम 4 बजे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा शपथ लेंगे। इस बार योगी सरकार के मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे भी जुड़ेंगे। वही पहले की तरह डिप्टी CM भी होंगे। केशव प्रसाद मौर्य सिराधू से चुनाव हार गए, लेकिन योगी सरकार की नई कैबिनेट में उनका नाम तय माना जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी CM बनाए जाने की भी चर्चा है। दिनेश शर्मा को डिप्टी CM की जगह संगठन में बड़ी भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल में PM मोदी की सलाह पर करीब 20 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए UP की नई सरकार में अनुसूचित जाति और OBC वर्ग के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इसमें अनिल राजभर, रामपाल वर्मा और कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह का नाम लगभग तय है। BJP चुनाव में OBC वर्ग के नेताओं के छोड़कर जाने से बने गैप को किसी भी हाल में भरने की तैयारी करेगी। महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। योगी सरकार के पहले मंत्रिमंडल में जहां यह संख्या 4 थी, अब उसे बढ़ाया जाएगा ताकि लोकसभा चुनाव में महिला वोटरों को अच्छा संदेश जाए। इस बार कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त कराने वाली बेबी रानी मौर्य को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं प्रतिभा शुक्ला, कृष्णा पासवान और अंजुला माहौर का नाम भी चर्चा में है। मार्च अभी खत्म नहीं हुआ है और गर्मी कहर ढाने लगी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो अब तक तापमान में लगातार इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली में मार्च के आखिरी सप्ताह में पारा 40 डिग्री के पार जा सकता है, तो राजस्थान में कई हिस्सों में लू चलने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मार्च का महीना शुष्क रहेगा, गर्मी लगातार बढ़ेगी। अभी से ही न सिर्फ दिन बल्कि रातों की गर्मी भी अब लोगों को परेशान कर रही है। कुछ जगहों पर तो पंखे कूलर की हवा भी लोगों को राहत नहीं दिला पा रही है। यूरोप की प्रमुख मौसम एजेंसी मीटियो ग्रुप का अनुमान है कि दिल्ली में अगले वीकेंड से पारा तेजी से बढ़ेगा। एजेंसी ने 27 मार्च को तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने और 28-29 मार्च को 40 डिग्री क्रॉस कर जाने की भविष्यवाणी की है। वर्ष 2013 से अब तक तीसरी बार मार्च के शुरुआती 15 दिनों में तापमान 34 डिग्री से अधिक गया है। पूर्वानुमान के अनुसार गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ेगा। 22 मार्च तक बारिश की संभावना नहीं है। स्काईमेट के अनुसार पिछले कुछ सालों के विपरीत इस साल मार्च में अब तक बारिश नहीं हुई है। वहीं 2013 से अब तक मार्च के शुरुआती 15 दिनों में ये तीसरा मौका है जब तापमान ने 34 डिग्री के स्तर को पार किया है। इससे पहले 2018 में तापमान 36.2 डिग्री और 2021 में 35.2 डिग्री गया था, जबकि 2022 में 15 मार्च को अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री दर्ज हुआ है। बिहार की राजधानी पटना से सटे बाढ़ इलाके से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक लड़के ने नाराज गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, लेकिन उसके लिए ये कदम जानलेवा साबित हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अथमलगोला थाना प्रभारी ने बताया कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। परिजनों से जानकारी लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। लड़की से भी कड़ी पूछताछ की जा रही है। दरअसल एक युवक का उसकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया था और गर्लफ्रेंड काफी नाराज हो गई थी। कुछ देर बाद वो गर्लफ्रेंड को मनाने की काफी कोशिशें करने लगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हो रही थी। हार थक कर युवक खाना खाने चले गया। खाना खाने के बाद युवक अपने कमरे में गया और एक बार फिर अपनी नाराज गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए काफी मन्नतें की, लेकिन जब वो नहीं मानी तब उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया, जो कि उसके लिए जानलेवा साबित हो गया। बताया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड जब नहीं मानी तो उसने खुदकुशी करने की धमकी दी। जब धमकी का भी असर गर्लफ्रेंड पर नहीं हुआ तब उसने फांसी का फंदा अपने गले में डाल दिया और गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल लगा दिया।
उसे उम्मीद थी कि प्रेमिका ऐसा करने से मान जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अचानक प्रेमी के हाथ से मोबाइल छूट गया। उसे पकड़ने के लिए वो टेबल से कूद गया। कूदते ही फांसी का फंदा कस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण खाद्य पदार्थों से लेकर तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। दुनिया भर के लोगों को महंगाई बढ़ने का डर सता रहा है। तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा आज नई दिल्ली पहुंचे। यहां वे 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में युद्ध के समर्थकों द्वारा की जा रही एक रैली में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां उनकी जमकर सराहना की गई है। इसी बीच अपनी सरकार के खिलाफ चल रहे अविश्वास प्रस्ताव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। इसके अलावा सबसे खुशहाल देशों की रैंकिंग जारी हुई है। फिनलैंड लगातार 5वें साल अव्वल रहा तो भारत 139वें स्थान पर है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में संघर्ष के बढ़ने के साथ साथ खाद्य पदार्थों से लेकर तेल की कीमतों तक में इजाफा देखने को मिला है। गरीब की थाली महंगी हो रही है। दुनिया भर के लोगों को महंगाई बढ़ने का डर सता रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच जारी जंग अगर जल्द ही शांत नहीं होती तो इसका सबसे ज्यादा असर पूरे एशिया पर पड़ेगा और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित भारत होगा। यहाँ वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी दिखने भी लगी है। मालूम हो कि भारत तेल से लेकर जरूरी इलेक्ट्रिक सामान और मशीनरी के साथ मोबाइल लैपटॉप समेत अन्य गैजेट्स के लिए दूसरे देशों से आयात पर निर्भर है। अधिकतर मोबाइल और गैजेट का आयात चीन और अन्य पूर्वी एशिया के शहरों से होता है। भारत अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 24 दिन बीत चुके हैं। दोनों देशों के बीच जारी इस जंग का असर अब पूरी दुनिया पर दिख रहा है। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उसके बाद से दुनिया भर में वैश्विक खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल आया है। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जिस पैमाने पर युद्ध के कारण खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में उछाल आ रहे हैं, उससे दुनिया भर के करीब 4 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी की तरफ जा सकते हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा आज शनिवार को नई दिल्ली पहुंचे। यहां वे 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच शाम 5 बजे दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात होगी। मुलाकात के दौरान यूक्रेन संकट, चीन और निवेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। दोनों देश आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा करने के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा जापान के सागर में रूसी वायुसेना के साथ संयुक्त हवाई अभ्यास और सुलू सागर में फिलीपींस के क्षेत्राधिकार वाले समुद्र में युद्धपोत भेजने पर भी बात होगी। किशिदा अगले दिन यानी 20 मार्च को कंबोडिया के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच साल 2019 में होने वाली मुलाकात असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शनों के कारण स्थगित हो गई थी। किशिदा की यह यात्रा उसी कार्यक्रम का हिस्सा है। बता दें कि जहां जापान ने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की है, वहीं भारत किसी का पक्ष लेने से बच रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने रूस के खिलाफ मतदान नहीं किया था। भारत मुख्य रूप से जापान में कपड़े, लोहा और स्टील प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम उत्पाद, टेक्सटाइल, यार्न, फैब्रिक्स और मशीनरी निर्यात करता है। वहीं आयात की बात करें तो प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, लोहा और स्टील प्रोडक्ट्स, वाहनों के पार्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स और मेटल्स शामिल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार रात को राजधानी मॉस्को में युद्ध के समर्थकों द्वारा की जा रही एक रैली में हिस्सा लेने पहुंचे। मॉस्को पुलिस ने बताया कि 2 लाख से अधिक लोग लुझनिकी स्टेडियम के अंदर और इसके चारों ओर मौजूद थे। यूक्रेन से छीने गए क्रीमियाई प्रायद्वीप पर रूस के कब्जे की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह रैली की गई। पुतिन के मंच पर आने के दौरान वक्ताओं ने उनकी सराहना यूक्रेन में नाजीवाद से लड़ने वाले नेता के तौर पर की। दूसरी तरफ यूक्रेन के गृह मंत्री ने कहा कि रूसी बलों द्वारा देश में बरसाए गए उन बम गोले और बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय करने में सालों लगेंगे जो फट नहीं पाए हैं। यूक्रेन पर बड़ी संख्या में बम गोले बरसाए गए हैं, इनमें से कई में विस्फोट नहीं हो सका था। मलबे के नीचे दबे ऐसे हथियार एक वास्तविक खतरा है, तो यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि उनके देश का संपर्क अजोव के सागर से कट गया है। रूस की फौज ने मारियोपोल के बंदरगाह पर कब्जा करने के साथ डोनेस्क के कई अहम केंद्रों पर कब्जा किया है, जिसके चलते यूक्रेन को दिक्कत हो रही है। इन आरोपों से बेखबर रूस ने शुक्रवार को अपने एक रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री सवार है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र जाएंगे।
तीनों अंतरिक्ष यात्री स्थानीय समयानुसार शाम 8:55 पर कजाकिस्तान के बैकोनेर प्रक्षेपण केंद्र से रवाना हुए और सुरक्षित तरीके से निर्धारित कक्षा में पहुंच गए हैं। यूक्रेन के खिलाफ 24 फरवरी को शुरू की गई सैन्य कार्रवाई के बाद पहली बार रूस ने अंतरिक्ष यात्रियों को रवाना किया है। अपनी सरकार के खिलाफ चल रहे अविश्वास प्रस्ताव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। बैठक का उद्देश्य देश में हाल के राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ पाकिस्तान में आगामी इस्लामिक देशों के शिखर सम्मेलन पर चर्चा करना था। बलूचिस्तान में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई। देश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच इस बैठक का नतीजा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक का मकसद पाकिस्तान में चल रही राजनीतिक अस्थिरता को एक बार फिर से पटरी पर लाने का है, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता लाने में सेना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सेना के सहयोग के बिना वहां सरकार चलाना मुश्किल है और इमरान खान द्वारा 11 मार्च को दिए गए भाषण में अपमानजनक टिप्पणी को लेकर सेना प्रमुख नाराज बताए जाते हैं। दरअसल सेना प्रमुख ने इमरान खान को विपक्षी नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी थी, लेकिन इमरान खान ने इसे खारिज कर दिया था। इस मामले पर सफाई देते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं सिर्फ जनरल बाजवा से बात कर रहा था और उन्होंने मुझसे फजल को डीजल नहीं कहने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों ने ही उनका नाम डीजल रखा है। इमरान खान JUIF नेता मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र कर रहे थे। 27 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान है, इसलिए इमरान खान परेशान है। सबसे खुशहाल देशों की रैंकिंग में फिनलैंड लगातार 5वें साल अव्वल रहा है। इसके साथ ही शीर्ष 5 देशों में डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड शामिल है। अमेरिका 16वें और ब्रिटेन 17वें स्थान पर है। भारत इस रैंकिंग में 139वें स्थान पर है। चौंकाने वाली बात यह है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 121वें स्थान पर है। शुक्रवार को जारी हुई इस सूची में सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया कुछ ऐसे मुल्क हैं जहां बेहतर जीवन जीने की परिस्थितियां सुधरी है। वहीं लेबनान, वेनेजुएला और अफगानिस्तान ऐसे देश है जो कि इस सूची में अंतिम पायदानों पर है। बीते वर्ष अगस्त में तालिबान के फिर से सत्ता में आने के बाद से युद्ध से पीड़ित अफगानिस्तान पहले से ही इस सूची में सबसे नीचे है। यूनिसेफ की ओर से अनुमान जताया गया है कि यदि मदद न दी गई तो वहां 5 साल से कम उम्र के 10 लाख बच्चे इस सर्दी में भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची बीते 10 सालों से तैयार की जा रही है। इसे तैयार करने के लिए लोगों की खुशी के आकलन के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को भी देखा जाता है। इसकी गणना के लिए 3 साल के आंकड़ों को लिया जाता है। इसके साथ ही खुशहाली को 0 से 10 अंत तक के पैमाने पर आंका जाता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की यह रिपोर्ट रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले ही बनकर तैयार हो गई थी। इस वजह से सूची में रूस 80वें और यूक्रेन 98वें नंबर पर है। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKV न्यूज़। नमस्कार।